गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईपी क्लासेस। लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर के प्रोसेस मॉडल्स को डिस्कस किया था, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में वी विल डिस्कस सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल्स। तो सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल्स क्या है, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, ऐसे मॉडल जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं। और सॉफ्टवेयर को डिलीवर हमें किसके लिए, किसको करना है, जिसके लिए हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, यानी क्लाइंट को। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिलीवरी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने जो फाइनल सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया है उसे हमें मार्केट में लॉन्च करना है या क्लाइंट को उसे प्रोवाइड करना है। दैट ओवरऑल प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवरी। सॉफ्टवेयर डिलीवरी जो है कुछ बेसिक एक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला दैट इज फाइंडिंग एंड ट्रैकिंग द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर डिलीवरी के थ्रू क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को फाइंड करते हैं, ट्रैक करते हैं क्या वो सुटेबल टाइम है उसको सॉफ्टवेयर डिलीवर करने का। सेकेंड, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट को परफॉर्म करते हैं, ये भी हम सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को क्लाइंट साइड में यानी क्लाइंट के सिस्टम पे टेस्ट करना, वैलिडेट करना कि वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी चीजें भी डिलीवरी मॉडल्स का पार्ट होती है। तो डिलीवरी मॉडल बेसिकली इटरेटिव सीक्वेंस को परफॉर्म करता है। इटरेटिव सीक्वेंस का मीन्स है रिपीटेड सीक्वेंस, यानी जहां से हमने शुरुआत की वहीं पर हम रिपीट हो जाएंगे आफ्टर द फाइनल स्टेज, बिकॉज दिस मैथड इज बेस्ड ऑन फीडबैक। फीडबैक यानी कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिसमें हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट का फीडबैक जो होता है वो प्रोसेसिंग में जाता है। अगर फीडबैक जो है पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, अगर फीडबैक नेगेटिव होता है तो दोबारा से प्रोसेसिंग में जाके वो उसको इम्प्रूव करता है और फिर से रिजल्ट जनरेट करता है। और ये प्रोसेस यानी ये ओवरऑल रिपीटिशन चलता रहता है जब तक आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर नहीं हो जाता, फाइनल रिजल्ट जिसमें कोई फर्दर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो डिलीवरी मॉडल जो है इटरेटिव सीक्वेंस परफॉर्म करता है अपडेशंस का सिस्टम के ऊपर डेवलपमेंट टाइम पर, इसे हम प्रोसेस इटरेशन मॉडल्स भी कहते हैं। चॉइस ऑफ राइट डिलीवरी मॉडल कैन अफेक्ट द सक्सेस ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट आप डेवलप करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, वो कितना सक्सेसफुल होगा ये बात डिपेंड करती है कि हमने सही डिलीवरी मॉडल को चूज किया है या नहीं किया। तो राइट डिलीवरी मॉडल को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इट विल अफेक्ट अवर एंटायर प्रोजेक्ट सक्सेस। सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो मॉडल होता है दैट इज द इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल। इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल में क्या होता है, कंटिन्यूस इंक्रीमेंटेशन होता रहता है प्रोसेसेस का। और सेकेंड जो मॉडल है दैट इज द स्पायरल डिलीवरी मॉडल। जैसे कि हमने लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में भी स्पायरल मॉडल को डिस्कस किया था, तो स्पायरल मॉडल एक स्पायरल वे में होता है और उसमें सारी प्रोसेस इटरेटिव होती हैं, उसी तरह यहाँ पर स्पायरल डिलीवरी मॉडल होता है वो डिलीवरी टाइम पर वर्क करता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल्स जो हैं वो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिए। इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल, इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल में क्या होता है, हम इटरेशंस परफॉर्म करते हैं आफ्टर वन स्टेज टू अदर स्टेज, और फाइनल स्टेज के बाद दोबारा से प्रोसेसिंग में जाते हैं और रिजल्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, और ये सारे अपडेशन तब तक चलते रहते हैं जब तक हमें फाइनल स्टेज यानी फाइनल आउटपुट नहीं मिल जाता, जिसमें हमें कोई फर्दर अपडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसको हम प्रोसेस इटरेशन मॉडल का पार्ट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल। तब तक इन सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।